Hello students, how are you? Hope you all are fine. Stay home, stay safe. Today we are going to read about enter key and backspace key. Now see the pictures. Enter and backspace key. I have told you earlier about this key. Our enter key is used to send the cursor down to the next line. जो एंटर की है बेटा वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में सेंड करती है. सपोज हमने कोई भी नेम लिखा, अब हमें नेक्स्ट नेम लिखने के लिए कहां जाना है, नेक्स्ट लाइन में. तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमें क्या देना है, यूज करना है एंटर. अब देखिए कीबोर्ड पे एंटर की कहां पर है, दिस इज एंटर. अब स्टूडेंट्स हमने अपने कर्सर को, कर्सर क्या है, ये जो ब्लिंकिंग लाइन ए के बाद आपको एक लाइन नजर आ रही है, इस ब्लिंकिंग लाइन को हम बोलते हैं कर्सर. और इसे नेक्स्ट लाइन में भेजने के लिए जो आपको अभी एंटर की दिखाई, हमें उसको वन टाइम प्रेस करना है. अगर आप उसको ज्यादा प्रेस करेंगे 2-3 times, तो कर्सर हमारा उतना ही नीचे चला जाएगा. तो हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, वन टाइम प्रेस करना है. कर्सर नीचे आ गया, अब हम अपना नेक्स्ट नेम जो भी लिखना होगा वो लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने कंप्यूटर के पार्ट्स के नेम लिखने हैं. मॉनिटर, फिर आप एंटर की प्रेस करेंगे, मॉनिटर के बाद आप लिखेंगे माउस, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर आप लिखेंगे सीपीयू, एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कीबोर्ड. आपको कंप्यूटर के पार्ट्स के नेम इसी तरह से एंटर यूज करके टाइप करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, डू इट इन योर कंप्यूटर्स. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.